रेवाड़ी में घरेलू गैस सिलेंडरों के बढ़ते हुए दाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। नेहरू पार्क में बैठक कर महाराणा प्रताप चौक तक निकाला रोष मार्च। रसोई गैस उपभोक्ता मंच के संयोजक पवन कुमार एडवोकेट एवं महिला सांस्कृतिक संगठन की नेत्री सुमन यादव तुलाराम विहार के नेतृत्व में रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ नागरिकों ने नेहरू पार्क से मीटिंग की एवं जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें महिलाओं समेत प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया। सोशल एक्टिविस्ट कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बाजी से ऊपर उठकर रसोई गैस जैसी जरूरत की चीजों के बढ़ते दामों के खिलाफ सभी को इकट्ठा होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। जनता को जात पात धर्म संप्रदाय के आधार पर अपनी एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। वर्तमान में बड़ी बड़ी कंपनियों को देश के तमाम संसाधनों को दिया जा रहा है। जन कल्याणकारी की परिभाषा को बदलकर कंपनी कल्याण की नीतियों के आधार पर देश को चलाया जा रहा है। रसोई गैस उपभोक्ता मंच एवं महिला सांस्कृतिक संगठन ने जो पहल की है, इसको हर स्तर पर व्यापक पैमाने पर ले जाया जाए ताकि मंच एक संघर्ष का औजार बन सके। प्रदर्शनकारियों को सुमन देवी, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, अजय सिंह एडवोकेट, डॉक्टर प्रीति लता, रणबीर एडवोकेट, रविंद्र सिंह एडवोकेट, पारस एडवोकेट, प्रिंसिपल अनिल कुमार, गीता देवी, विपुल यादव ने भी संबोधित किया। रसोई गैस उपभोक्ता मंच की 10 सदस्यों की कमेटी गठन किया गया, जिसके कन्वीनर पवन कुमार एडवोकेट को एवं महिला सांस्कृतिक संगठन की कन्वीनर सुमन देवी तुलाराम विहार को बनाया गया। फैसला लिया गया कि आगामी दिनों में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार ने बढ़ाए दाम वापस नहीं लिए तो आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से जो मोदी सरकार ने रसोई गैस पे लगातार दाम पे दाम बढ़ाए हैं, 50 रुपये पहले और 50 रुपये अब, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा रसोई गैस में कोई भी चीज़ अगर रसोई में महंगी होती है तो महिलाओं पे उसकी मार बढ़ती है। ये एक तानाशाही है और जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे। और ये महिलाएँ सब इसलिए इकट्ठी हुई कि रसोई गैस का दाम बढ़ने से घरों में एक तनाव भी बढ़ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। रसोई में किसी भी चीज़ की महंगाई होती है तो घर में बोलते हैं तो उससे एक तनाव हो रहा है कि पॉकेट सबकी इतनी अलाउ नहीं करती है। पहले तो मोदी सरकार ने सभी को गैस सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम के तहत आदत डाल दी, चूल्हे बंद करवा दिए और उसी साजिश के तहत अब उनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। तो ये सरेआम गलत है, आम जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकर जी सर, आज विरोध प्रदर्शन किया है इसके खिलाफ हमने, और जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा भी हम विरोध करेंगे। देखिए, हमने ये प्रदर्शन किया है गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए हैं उसके विरोध में, और अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये प्रदर्शन अभी और बढ़ेगा। रोडों पे सिलेंडर लेके महिलाएं बैठेंगी और डीसी ऑफिस का जो है उसका घेराव करेंगी, और हम अपनी मांगे हैं उसको मनवा करके रहेंगे। सरकार मार्च के महीने में 50 रुपये बढ़ाए थे, अब इस महीने में फिर 50 रुपये बढ़ा दिए। उसका महिलाओं पे जो बोझ है वो डबल हो गया है। किचन के अंदर जो भी काम करते हैं महिलाएं, सब कुछ खत्म हो रहा है। दाल लगा लो, चीनी लगा लो, हर चीज़ की महंगाई डबल हो रही है। इसमें महिलाओं की पूरी हालत है और घर में इसमें कलेश होता है इस बात के ऊपर कि सिलेंडर खत्म हो गया, दाल चीनी खत्म हो गई, जो भी है उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में महिलाओं पर बर्डन पड़ा हुआ है। मांग करते हैं कि सरकार की जो ये दाम है गैस के, ये आधे होने चाहिए, और महंगाई पे और सभी चीज़ों पे, पेट्रोल हो चाहे गैस हो चाहे डीजल हो, सभी पे जो महंगाई है वो कम करनी चाहिए। मैं पवन कुमार एडवोकेट हूँ। आज हमने जो LPG सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए हैं सरकार ने, हम उसका एक टोकन प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं, और हम सरकार के जो इस फैसले का विरोध करते हैं। आज एक टोकन प्रोटेस्ट किया है, अब इसको एक आंदोलन का रूप देख के आगे की जो है हम रूपरेखा तैयार करेंगे। नेहरू पार्क में मीटिंग करके हमने जो है महाराणा प्रताप चौक तक ये प्रोग्राम किया है। हमने उपभोक्ता मंच बनाया, घरेलू गैस उपभोक्ता मंच, उसकी तरफ से आज ये प्रोटेस्ट किया।